हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो आप सब। 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये न्यूज़पेपर में आज फिर निकला है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। जी आज के पेपर में दिया है भाई, 11 फरवरी को आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, इस बार 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बनाओ। 25 क्या, अगर 50 लाख भी हों फिर भी आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम को तैयारी करने के लिए कहा है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि यह परीक्षा प्रदेश भर में करीब 5,000 केंद्रों पर एक पाली में होगी। अर्थात ये परीक्षा, 5,000 केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा के लिए और केवल एक ही पाली में होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिलों की परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासनादेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। आपको इसे पढ़ के पता ही चल गया होगा कि क्या है आज की न्यूज़। इसलिए मेरे दोस्तों, तैयारी को मजबूत बनाओ, आपके चूकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों।